पूरे हाजी अली का जो केस है उसके डॉक्यूमेंट्स, पूरे 3 तलाक के डॉक्यूमेंट जोड़ो मत। आप दुनिया भर में देखो, कानून बदलते हैं तो समाज बदलने में आसानी होती है। जहाँ तक मुस्लिम औरतों का सवाल है, हम अगर थोड़ा सा उसका लीगल हिस्ट्री देखें, हिंदू समाज के पास 55-57 में चारों कानून कोडिफाइड पर्सनल लॉ बन के आ गए थे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें अमेंडमेंट्स आते गए और बेहतर बनते गए। क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है, क्योंकि पार्टीशन हुआ है, क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स रही है, आज तक 2022 में हम है एक पूरा संपूर्ण विधिवत पारिवारिक कानून मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। सिंस इट्स इंसेप्शन बीएमएमए हैज बीन डिमांडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट व्हाट दे हैव गॉट इज एक्चुअली अ वेरी हाफ बेक्ड लॉ। गिवन द सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट इन विच द लॉ वाज पास्ड, देयर हैव बीन मेनी डिफरेंसेस बिटवीन बीएमएमए एंड अदर फैक्शंस ऑफ इंडियन वुमेन्स मूवमेंट। This has led to creating a separate movement where they have created separate spaces for Muslim women while sort of critically engaging with Muslim patriarchal practices as well as claiming their own citizenship. जब हम BMM शुरू किए थे तभी हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम मुस्लिम औरतों के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हाँ, हम समाज के की लीडरशिप भी लिए हैं, हम बहुत सारे इश्यूज पर काम कर रहे हैं जो पूरे समाज को अफेक्ट करता है, और मुस्लिम औरतों के मुद्दे अगर हम नहीं आगे लाएंगे तो फिर कौन लाएगा, और फिर हम क्यों बने हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा आइडेंटिटी मुस्लिम है, मैं बुरखा पहनती हूँ तो दिखाई देती हूँ, पर लोगों को ये नहीं पता था कि अच्छा इतना स्ट्रांग मुस्लिम है कि मुस्लिम मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे नाम में मुस्लिम आता है। मुझे पूछा गया कई बार कि नाम मुस्लिम क्यों डाला है, तुम लोगों की सोच ऐसी है तो नाम क्यों डाला गया है। कहीं पर भी वो डिस्कम्फर्ट अगर है कि मैं मुस्लिम औरत हूँ और मैं एक मुस्लिम संगठन से जुड़ी हूँ, तो वो वहाँ पर कोई वो स्टैंड से कहीं पीछे नहीं हटना है, तो उससे हमको छुपना नहीं है, शर्माना नहीं है। अभी भी हमारा नाम रखे कि 3 तलाक बंद करा दिए लोगों ने, आदमियों को सजा दिला दी है। 3 तलाक का किसी एक को तो ये मुद्दा लेना पड़ा ताकि आज ये औरतों के लिए ये तकलीफें आना बंद हो गई। 3 तलाक दिया है तो उसका इम्पैक्ट औरत पे क्या होती है, ये लोगों को अवेयर नहीं है। मतलब 15 साल पहले तक आप एक पूरा समाज चुप है और ये रिलीजियस ग्रुप्स के कब्जे में है, इतना के मिडिल क्लास को अपना एजुकेशन नहीं समझ में आता है, वो क्या सीखे क्या समझे है और क्या फतवे निकल रहे हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। शरीयत की जब बात आ रही है तो फिर खातिमा पास वो पूरा पहले से लेकर आज तक उसको समझाती है, भाई ऐसा है क्योंकि वो मालूम उनको है तो बताते तो लोग सामने वाले समझते है कि भाई इनको तो अच्छी मालूम आता है, फिर वो जरा वहाँ पे थोड़े मौलाना मुल्ला थोड़े चुप हो जाते कि भाई अपनी दुकान थोड़ा बंद करो। As we have engaged with BMMA through this research, we have realized that their strategies are multi-pronged. Framing and demanding a comprehensive Muslim personal law is their significant focus, but they also work on other issues. Despite the backlash, the movement has managed to sustain itself through a large participation of women from the grassroots and creation of alternative structures. देश के अलावा और भी देश हैं जहाँ पर ये सरकार चलती है अलग अलग, मतलब उनके उसूल क्या है, उनके कानून क्या है। जब से BMMA की शुरुआत हुई है, हमारा पूरा आंदोलन का जो बेस है कि हम किस आधार पर काम करने वाले हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो था वो एक आधार पहला आधार रहा है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और संविधान के जो उसूल हम पर लागू होते हैं एक नागरिक होने के नाते, उस वो हम तक पहुँचे और हम उसका फ़ायदा उठा सके और हम अपने सिटीजनशिप की बात हो सके,
तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे आंदोलन का आधार पहले से ही रहा है। संविधान क्या है? अपनी किताब है, और वो किताब में क्या लिखा है? अपने देश के कानून लिखा है, रूल्स लिखा है, ये देश अपना कैसा चलता है वैसा लिखा है, बराबर। हमारे देश में सब लोग क्या है? बराबर है। अच्छा, लेकिन औरतों की शरिया अदालत में तो साल भर में हमारे पास में जैसे यहाँ लिखा 105 केस, ऐसे हमारे 10 साल भर में 150 ऐसे केस आते हैं, और जिसका हम टोटल देखते हैं तो ये इतना हुआ, ये इतना हुआ, ये इतना हुआ। लेकिन जो हम जब 2016 से लेके 18 तक जो काम किया है उसमें 3 तलाक के केसेस आए हैं, लेकिन अब नहीं है। 1-2 आए हैं जिसके लिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और शरिया अदालत में अभी सब में ज़्यादा आदमी झूठ बोलकर दूसरी शादी कर रहा है, जैसे पॉलीगमी, झूठ बोलता है कि मेरी बीवी नहीं है। कल ही हमारे पास में एक केस आया है, अलीशा को लेके आवे तुम्हारे घर पे, उसको छोड़ने उसके ससुराल, ऐसा थोड़ी हो सकता है जुगे, तुम बोल दिए तो हो गया क्या? तो रखना नहीं तो फिर आगे करना क्या है, ये तो बोलो। अलीशा की शादी 13-14 साल में ही हुई है, और उनके जो कम्युनिटी है वो ऐसे छोटे बच्चों की शादी कर देते, जैसे बाल विवाह चाइल्ड मैरिज पे अपन कर रहे हैं, तो उसको तो कुछ समझ है ही नहीं, शादी करके दे दिए। तेरी हिम्मत आई थोड़ी, थोड़ा तेरे को बोलने के लिए हिम्मत आई है? आपको आर्टिकल 14 चाहिए, आपको आर्टिकल 19 चाहिए, लेकिन आपको आर्टिकल 25 की जब बात आती है तो आर्टिकल 25 में आपको अपने वो सारे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस संभाल के रखने हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे ताकत देने वाले शब्द के नजरिए से समझना चाहिए। इस्लामिक नारीवादियों ने इस अनोखी आयत को उजागर करने के लिए अच्छा काम किया है। हमें आयत मालूम थी, अल्लाह मर्द और औरत के रिश्ते का को कैसे बनाया है, उसका डायग्राम क्या है, आके बनाओ कि अल्लाह के साथ डायरेक्ट बराबर है, और तुम डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो, और तुम्हारा और मर्द का रिश्ता बराबर है। It's about who you are and what kind of acceptance with your issues you gain. मैं अच्छी हूँ घबराओ न को ऐसा खत में लिखो, मैं अच्छी हूँ घबराओ न को ऐसा खत में लिखो। BMM है महिला मंडल, जाती मैं उस मीटिंग को, तेरी बहन को शौहर जब पीटता जाती सब धमकाने को, उसको मदद मैं करूँ क्या ना को ऐसा, उसको मदद मैं करूँ क्या ना।